नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का एक वीडियो चर्चा में है। वीडियो में वो कहते हैं कि शिवराज जब मुख्यमंत्री थे तो सीएम के तौर पर दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो सीएम नहीं है तो और लोकप्रिय हो गए हैं। वो बड़ी जीत के साथ दिल्ली गए हैं। आज दिल्ली भी नतमस्तक है, पूरा दिल्ली उन्हें पहचानता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। ये सब आपके द्वारा ही संभव हुआ। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के वीडियो पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी में अंतर्कलह की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है। यह 100% सच है, क्योंकि देश भी डरे हुए तानाशाह को गौर से देख रहा है। डर पार्टी के अंदर असहमति की आवाज का, डर बड़े नेताओं की बगावत का, डर गठबंधन के प्रबंधन का, डर समर्थन की सरकार के घिरने का, डर टिकी हुई कुर्सी के हिलते हुए पांव का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये मत सोचे कि शिवराज जी के विरासत में कोई बच्चा है, लेकिन ये जरूर देखिए ये डर अच्छा है। आरएसएस के बाद उसके अनुसांगिक संगठन भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कड़ी आवाज में आवाज उठाई, फिर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उठाई, फिर रतन शारदा ने उठाई और अब आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने मोदी सरकार और उनके मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। एबीवीपी ने नीट और बाकी परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया और इसके साथ ही नारे लगाए, जैसे देश भर में शोर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए चोर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद आदि। फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए एबीवीपी के पुणे शहर सचिव हर्षवर्धन हरपुड़े ने कहा कि ऐसा कई बार हो चुका है, एनटीए का ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बेहद निंदनीय है। हमारा सवाल सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। ये बड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग कक्षाओं पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? हम पेपर लीक और रद्द होने के बारे में सुनते हैं। सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी क्यों नहीं है जो निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित कर सके? एबीवीपी के पश्चिम महाराष्ट्र के राज्य सचिव अनिल थोंबरे ने कहा, जब तक एनटीए अपने प्रशासन में सुधार नहीं करता, हम अपने विरोध प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे। केंद्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरे देश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने कदम उठाया। दरअसल शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक के आरोपों के बीच एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन को सौंपी गई है। इस पैनल की अध्यक्षता में कई अन्य एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। इस पैनल का काम न सिर्फ ये होगा कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं का कैसे पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन किया जाए, बल्कि मौजूदा विवाद को भी सुलझाना इस पैनल का काम होगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि पेपर लीक मामले की जाँच की जाए। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर जारी विवाद के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक स्वतंत्र एजेंसी की रिव्यू टीम की जांच में पाया गया कि 5 मई को नीट के कई परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कई केंद्रों पर अनिवार्य 2 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कुछ जगह प्रश्न पत्र रखने वाले स्ट्रांग रूम खुले पाए गए, वहां सुरक्षा गार्ड नहीं थे। सुरक्षा को लेकर ये जाँच एनटीए के निर्देश पर इस टीम को सौंपी गई थी। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कहकर अब सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी है। सरकार का यह आदेश यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के 48 घंटे से कम समय में आ गया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जून तक होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क दिया गया है। सरकार ने डार्क वेब पर इस परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका में कदम उठाया है, यानी पेपर अभी लीक नहीं हुआ लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई। एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, ये क्या हो रहा है, अब एनटीए ने ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। इससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई थी, जबकि नीट परीक्षा पहले से ही पेपर लीक और धांधली की शिकायत से घिरी हुई है। देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, एक और एनटीए परीक्षा स्थगित, इस बार ये सीएसआईआर यूजीसी नेट है। जाहिर है एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र की ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। केंद्र ने पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। नया कानून
लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। एक दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सरकार कड़े नियम कानून बना रही है। नए कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सभी अपराध संघे और गैर जमानती होंगे। परीक्षा कराने वालों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद सूचना नहीं देने पर उन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बनाए गए नए कानून पर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को भारत की राष्ट्रपति ने 13 फरवरी 2024 को मंजूरी दे दी थी। आखिरकार आज सुबह राष्ट्र को बताया गया कि यह कानून शुक्रवार से लागू हो चुका है। स्पष्ट है कि यह नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और दूसरे घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह कानून पेपर लीक होने के बाद उनसे निपटता है। सबसे महत्वपूर्ण वो कानून, सिस्टम और प्रक्रिया है जो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि पेपर लीक नहीं हो। तेलंगाना में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना के किसानों को बहुत बहुत बधाई, अब आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ। जननायक राहुल गांधी जी ने 6 मई 2022 को वारंगल में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। आज आपकी कांग्रेस सरकार ने यह वादा पूरा किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई दी। साथ ही कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना, किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों से कुछ वक्त मांगा। हालांकि पत्रकार आदेश रावल का कहना है कि राहुल विपक्ष के नेता बन सकते हैं ताकि जिम्मेदारी से भागने की धारणा टूटे, और आजकल वो हर मुद्दे पर आगे आकर जवाब दे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के ताडीपल्ली में YSRCP के निर्माणाधीन केंद्रीय दफ्तर को शनिवार तड़के कई बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। मंगलागिरी ताडीपल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल सुबह 5:30 बजे के आसपास शुरू किया। नगर निगम ने कहा यह अवैध निर्माण है, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। YSRCP ने नगर निगम की शुरुआती कार्रवाई को चुनौती देते हुए पिछले दिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया कि अदालत ने किसी भी विध्वंस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था। वकील ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश की अवहेलना की गई है। बता दें, बुलडोजर चलने का जब नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ अपने दिमाग में आ जाते हैं, और फिर तो बीजेपी की प्रदेश सरकारों ने भी यही किया, बुलडोजर का इस्तेमाल किया। नायडू भी अब बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए YSRCP प्रमुख YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू बदला लेने की राजनीति को अगले स्तर पर लेकर गए हैं। एक तानाशाह की तरह उन्होंने हमारी पार्टी के केंद्रीय दफ्तर को बुलडोजरों से ध्वस्त करवा दिया, जो लगभग पूरा हो चुका था। बता दें, विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर तानाशाही की तरह काम करने का आरोप लगाता रहा है और पीएम मोदी को तानाशाह बोलता रहा है, लेकिन अब पीएम मोदी के साथ ही रहे जगन मोहन रेड्डी भी तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो भी इंडिया गठबंधन की भाषा बोलने लगे हैं। बीजेपी के साथ ही पार्टी JDU ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सनसनी फैल गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में JDU के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि UP में पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इतना काम करना है कि लोग हमें आकर पूछें, हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी को यूपी में कुछ सीटें दे देती तो इतना बुरा हाल देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और अम्बेडकर नगर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमें सीटें मिल जाती तो NDA को UP में इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। JDU के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब पार्टी अपना
आधार मजबूत करेगी और जिस भी बड़ी पार्टी को लगेगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन होना चाहिए वो उनसे संपर्क कर सकती है। अनूप पटेल का ये बयान ऐसे समय में अहम हो जाता है जब केंद्र में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और बिहार में भी एनडीए सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेता ने जो बयान दिया है उससे सनसनी तो पैदा हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासी समाज को लेकर दिया गया बयान चर्चा में। अब भारतीय आदिवासी समाज पार्टी के सांसद और मदन दिलावर इस बयान को लेकर आमने सामने आए। दरअसल शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, वंशावली लिखने वाले लोगों से पूछ लेंगे। अगर हिंदू नहीं है तो फिर उनके डीएनए की जांच करवा लेंगे कि वो अपने बाप की औलाद हैं कि नहीं। शिक्षा मंत्री के बयान पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी समाज इसका करारा जवाब दे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार, बहुत बीमार है। उनके बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। आदिवासी समाज के डीएनए को लेकर दिया गया उनका बयान अति निंदनीय है। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। करुणापुरम में जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में 48 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची। शनिवार को शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। इससे पहले शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों के कई आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी भारत और बांग्लादेश के नेताओं के बीच बात हुई। क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेता हमारे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय रिश्तों को और मजबूत करने और नई दिशा देने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने, कारोबार को बढ़ावा देने और हरित पार्टनरशिप के लिए समझौते भी हुए। दोनों देशों ने समुद्री अर्थव्यवस्था और महासागर में सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौता किया है। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।